हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ मैं आपके लिए दो बच्चों के लिए, किड्स के लिए दो स्मूदीज लेके आई हूँ। सो एक तो है एप्पल एंड बनाना और एक स्ट्रॉबेरी स्मूदी है। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं बनाना एंड एप्पल स्मूदी। तो मैंने दोनों को अच्छे से चॉप कर लिया है, इसे मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर दिया है। अभी मैं यार डेट्स डालूँगी। डेट्स बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी है, सो डेट्स मैं ऐड करूँगी। और मैंने ऑलरेडी बच्चे के नट्स पाउडर बना रखा है, तो वो नट्स पाउडर में मैं इसी में ऐड कर दूँगी। बनाना, एप्पल, नट्स और डेट्स, ये काफ़ी हेल्दी है, तो काफ़ी हेल्दी स्नैक्स बच्चों के लिए रहता है। सो आप डेफिनेटली इसे बना सकते हैं। और अभी मैंने यहाँ पे नट्स जो पाउडर है, ये मैंने होममेड बनाया है घर पे ही। सबको अच्छे से रोस्ट कर लिया और फिर मैंने इसको ग्राइंडर कर लिया, मिक्सर ग्राइंडर में मैं पीस लिया और मैंने स्टोर कर दिया। इसको आप इजीली स्टोर कर सकते हैं। सो ये मैंने ऐड कर दिया है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करूँगी, जिससे एकदम स्मूथ पीस बन जाएगा। सो वो काफ़ी अच्छा लगता है। सो मैंने यहाँ पे हल्का सा मिल्क ऐड कर दिया है। अभी मिल्क के बाद मैं इसको पीस लूँगी, एकदम स्मूथ पीस कर लूँगी। सो यहाँ पे बनाना एंड एप्पल की जो स्मूदी है वो रेडी है। सो मैंने दो ऑलरेडी स्मूदीज आपके साथ डिस्कस की है, शेयर की है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। सो चलिए नेक्स्ट स्मूदी में आते हैं, स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी भी काफ़ी हेल्दी है। अगर बच्चा नॉर्मल ऐसे स्ट्रॉबेरी नहीं खाता है तो हम उसको स्मूदी के थ्रू दे सकते हैं, तो काफ़ी टेस्टी भी लगता है। यहाँ मैं योगर्ट का यूज़ नहीं कर रही हूँ, ओनली मिल्क का यूज़ करूँगी। सो मैंने जो स्ट्रॉबेरी है उसको अच्छे से चॉप कर लिया है। मैंने यहाँ चार स्ट्रॉबेरी ली है, उसको मैंने मिक्सर में ऐड कर दिया। अभी मैंने यहाँ पर मिल्क ऐड किया है, क्योंकि ये थोड़ी सी खट्टी होती है, तो मैं यहाँ चीनी का यूज़ करूँगी। आप चाहे तो उसको स्किप कर सकते हैं, मैं यहाँ थोड़ी सी बच्चे के लिए चीनी यूज़ करूँगी ताकि वो इजीली खा ले, क्योंकि ये हल्का सा खट्टा रहता है। और इसको मिक्स कर लेंगे। सो यहाँ पे जो स्ट्रॉबेरी स्मूदी है वो रेडी है, तो आप भी ट्राई करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।